Good morning, 10th class. Have you taken out your notes? Okay, now let's start. Today we will do let and letter sentences. Imperative sentence हमारे complete हो गए थे last class में. Please kindly के sentences तक. आज हम let और letters वाले sentences करेंगे. First let sentences and then letter sentences. Changes कैसे क्या होंगे? मैं example के through आपको समझा रही हूँ. आपके notes में मैंने लिखवा दिया है. आप अपने नोट्स सामने रखिएगा. फर्स्ट लेट सेंटेंस करते हैं कि अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच लेट से स्टार्ट हो रही है, और सेकंड करेंगे कि अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच लेटर से स्टार्ट हो रही है. ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है. चेंजेस करेंगे उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है. प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस वही होंगे जो अब तक करते आ रहे हैं. टेंस रिलेटेड चेंजेस भी वही होंगे जो अब तक करते आ रहे हैं. हमें थोड़ा कनेक्टर में ध्यान रखना है और ये सेट टू वाले पोर्शन में ध्यान रखना है कि क्या चेंज होगा. फर्स्ट लेट सेंटेंस करते हैं. एग्जाम्पल इज द बेगर सेड लेट मी स्टे हेयर. इसमें क्या होता है, लेट वाले सेंटेंसेज में अगर हम इसको ट्रांसलेट करें हिंदी में, बेगर मीन्स भिखारी. भिखारी ने कहा लेट मी स्टे हेयर. स्टे मीन्स रुकना, हेयर मीन्स यहाँ, और लेट मीन्स दो. मतलब बेगर जो है एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे यहाँ रुकने दो. ठीक है, रिक्वेस्ट हुई तो सेट किस में चेंज होगा. इसमें सेड है और सेट टू दोनों आ सकते हैं. सेड है चाहे सेट टू है, दोनों में से कोई भी है तो हम इसको सेड को और सेट टू को किस में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में. क्लियर, क्लियर टू ऑल. सेड किस में और सेड और सेट टू जो भी है वो किस में चेंज होगा, रिक्वेस्टेड में. क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस होते हैं इनमें ज़्यादातर मोस्टली हम क्या है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं. लेट मी स्टे हेयर, मुझे यहाँ रुकने दो. लेट मी टेक सम फूड, मुझे खाना खाने दो. तो हम सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, इसलिए ये सेड और सेट टू जो है वो रिक्वेस्टेड में चेंज है. क्लियर, इतना क्लियर है यहाँ तक. द बेगर रिक्वेस्टेड. अब इसमें क्या है, टू, हमें यहाँ पर टू लगाना है. एज अ कनेक्टर समझ लीजिए, ये जो टू है एज अ कनेक्टर आ रहा है. ठीक है, लेट से पहले टू आएगा. रूल है कि इसमें लेट एज इट इज रहेगा. क्लियर, लेट एज इट इज रहेगा और लेट से पहले टू आ जाएगा. तो टू समझ लीजिए ये कनेक्टर का वर्क कर रहा है. द बेगर रिक्वेस्टेड टू लेट एज इट इज आ गया. लेट मी, मी किसके लिए आया है, बेगर के लिए. क्लियर, तो यहाँ पर हमने हिम यूज किया है. तो बेगर कॉमन नाउन में समझ लीजिए वैसे तो, यहाँ पर हमने हिम, आप हर लिखेंगे वो भी रॉन्ग नहीं होगा. ओके, टू लेट हिम एज इट इज आएगा आगे. स्टे और हेयर, टाइम एंड प्लेस रिलेटेड चेंजेस वाला जो चार्ट था उसमें था. हेयर को हम जब हमारा डायरेक्ट स्पीच में हियर होता है तो उसको इनडायरेक्ट में देयर कर देते हैं. टुडे, दैट डे, दिस, दैट, दीज, दोज, ये कहा था. अगर डायरेक्ट में दिस है तो इनडायरेक्ट में दैट कर देंगे. ये सारे उस चार्ट में लिखा हुआ है. तो यहाँ हियर आया हुआ, तो हियर को हमने देयर में चेंज कर दिया. तो सारा वापस से देख लें एक बार. द बेगर रिक्वेस्टेड, सेड और सेट टू की जगह रिक्वेस्ट आया. टू एज अ कनेक्टर समझ लीजिए, टू आ गया. लेट से पहले टू आएगा. लेट एज इट इज रहेगा. मी किस जिसके लिए भी यूज़ हुआ है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी जो रिपोर्टिंग क्लॉज होती है उसको हमने ध्यान से देखना है कौन किसको कह रहा है. और आगे जब रिपोर्टेड स्पीच आती है तो रिपोर्टेड स्पीच में ध्यान करना है कि ये प्रोनाउन जो है किसके लिए आया हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग हमें फिर चेंजेस करने होते हैं. यहाँ मी बेगर के लिए आया है तो इसलिए हमने मी को हिम में चेंज कर दिया. हर में भी कर सकते हैं. स्टे एज इट इज़ आया, वर्ब है, और हेयर को हमने देयर में चेंज कर दिया. क्लियर टू ऑल, एक लेट वाले सेंटेंस क्लियर है. नाउ लेट अस वाले थोड़े से चेंजेस आते हैं लेट अस वाले में. जैसे यहाँ पर होता है हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, लेट अस गो समवेयर सेंटेंस बोलते हैं ना, चलो हम कहीं चलते हैं. तो हम क्या कर रहे होते हैं, सामने वाले को कुछ सजेस्ट कर रहे होते हैं, है ना, कुछ सुझाव दे रहे थे कि चलो हम चलते हैं, चलो हम ये करते हैं. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, यही चेंजेस. जैसे यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे थे तो सेड और सेट टू रिक्वेस्टेड में चेंज हुआ. तो यहाँ पर जब हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, तो सेड और सेट टू किस में चेंज होगा, सजेस्टेड में. ठीक, और रूल में लिखवाया हुआ है मैंने आप लोगों को कि सेड और सेट टू जो है वो सजेस्टेड और सजेस्टेड टू में. सेड है तो सजेस्टेड आएगा, सेट टू है तो सजेस्टेड टू आएगा. जैसे यहाँ पर सेड हो, लेट वाले सेंटेंस में सेड हो चाहे सेट टू हो, दोनों में रिक्वेस्टेड आएगा. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अगर सेड है तो सजेस्टेड आएगा, सेट टू है तो सजेस्टेड टू आएगा, और सेट टू है तो एक रूल में मैंने लिखवाया था आप लोगों को कि सेट टू
या तो सजेस्टेड टू कर सकते हैं या प्रपोज्ड कर सकते हैं, लेकिन प्रपोज्ड अगर आप लोग लिखोगे तो उसमें टू नहीं आएगा, टू सिर्फ सजेस्टेड के साथ आएगा, सजेस्टेड टू और या फिर प्रपोज्ड। ठीक है, मैं आपको सजेस्टेड टू से बता रही हूँ। ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने मेरे फ्रेंड से कहा लेट अस गो टू सम होली प्लेस, या चलो हम कोई होली मतलब धार्मिक या पवित्र जगह चलते हैं। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैं अपने फ्रेंड को क्या कर रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो और ये रूल में एक और लिखवाया था, अगर हमारे रिपोर्ट लेटर्स वाले सेंटेंसेस में अगर हमारे रिपोर्टिंग क्लॉज में कहीं भी आई और मी आ जाता है और अस भी आ जाए, तो आई मी और अस आ जाए तो हम यहाँ पर ये जो अस होता है यहाँ वाला लेटर्स वाला, इसको हम वी में चेंज कर देते हैं, और अगर आई मी नहीं है तो उसको हम फिर दे में चेंज करेंगे। ठीक है, उनको अगर आई और मी है तो मेरे लिए बोला जा रहा है तो उसको हम में वी में चेंज करते हैं, और अगर आई और मी नहीं है किसी और के लिए बोला जा रहा है तो उसको दे में चेंज करेंगे। रूल में है, वापस से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसको अब जब हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो चेंजेस कैसे कैसे होंगे, सेट टू को अभी बताया, ओनली सेड है तो सजेस्टेड में चेंज होगा, यहाँ पर सेड टू है, ये रख है तो हम इसको किस में करेंगे, सजेस्टेड टू में चेंज करेंगे। आई सजेस्टेड टू माय फ्रेंड एज इट इज आएगा, जैसे पहले से करते आ रहे हैं नरेशन में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में माय फ्रेंड। अब यहाँ पर क्या होगा, कनेक्टर क्या आएगा, दैट, जैसे यहाँ पर टू था यहाँ पर दैट आ गया। ठीक है, आई सजेस्टेड टू माय फ्रेंड दैट, अब यहाँ पर अस को किस में चेंज कर, लेट यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। ओनली लेट वाले सेंटेंसेज है तो लेट एज इट इज रहेगा, बट लेट अस वाले हैं तो यहाँ पर लेट जो है रिमूव हो जाएगा, लेट नहीं आएगा, और लेट के साथ जो ये अस है इसको हम वी में, अगर आई मी और अस अगर हमारे रिपोर्टिंग क्लॉज में है तो हम उसको वी में चेंज कर देंगे। क्लियर, हमने इसको अब वी में चेंज किया उसको, लेट वी। एक और रूल आ गया कि वर्ब से पहले, ये रहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब से पहले शुड आ जाएगा, और समझ लो जो ये सब्जेक्ट आ गया हमारा, मेरा सब्जेक्ट है हमारी रिपोर्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, जब हमने सब्जेक्ट लिख लिया सब्जेक्ट के बाद में शुड आएगा, ये ऐड करना है हमें, रूल है हमारा। क्लियर, क्लियर टू ऑल, वी शुड, अब यहाँ पर अगेन वर्ब आ जाएगी। ठीक है, अस और गो के बीच में शुड आ गया है, शुड के बाद वर्ब, ये हमें पता है मॉडल है, इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। गो टू सम होली प्लेस, यहाँ पर और कोई चेंज नहीं है, है ना, टू गो सम होली प्लेस, कोई प्रोनाउन रिलेटेड चेंज नहीं है, टेंस रिलेटेड कोई चेंज नहीं है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। क्लियर टू ऑल, एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। लेट और लेटस वाले सेंटेंसेज हैं, लेट वाले में सेड है, सेड और सेड टू कुछ भी है तो यहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो ये सेड और सेड टू किस में चेंज होगा, रिक्वेस्टेड में। टू एज अ कनेक्टर यूज कर लीजिए, और या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि लेट से लेट एज इट इज रहेगा और लेट से पहले टू आएगा, उसको एज इट, और बाकी एज इट इज प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस आए या कुछ भी चेंज है वो एज इट इज जाए। ठीक है, नेक्स्ट लेटस वाला है। लेटस वाले में क्या होता है, सेड है तो यहाँ पर हम किसी को सजेस्ट कर रहे होते हैं, ओनली सेड है तो सजेस्टेड में चेंज होगा, सेड टू है तो सजेस्टेड टू में चेंज होगा, और सजेस्टेड टू की जगह आप प्रपोज्ड भी कर सकते हैं, बट उसमें टू नहीं लगेगा, प्रपोज्ड अकेला सिंगल आएगा, टू नहीं आएगा उसमें। ठीक है, यहाँ सजेस्टेड टू वाला ये सेट टू को सजेस्टेड टू में चेंज किया, माय फ्रेंड एज इट इज आया, कनेक्टर दैट आ गया, लेट रिमूव हो जाता है इसमें, और अस जो है अगर हमारे रिपोर्टिंग क्लॉज में आई मी और अस है तो उस अस को हम वी में चेंज करेंगे, अदरवाइज आई मी और अस नहीं है तो उसको दे में चेंज करेंगे, यहाँ पर आई है तो हमने इसको वी में चेंज किया है। क्लियर, उसके साथ शुड आएगा, रूल है हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और बाकी सारा ऑब्जेक्टिव पोर्शन एज इट इज आ गया क्योंकि कोई चेंज नहीं है इसमें।